Welcome dear friends, and this video has a purpose, and this purpose is that these videos are made for late bloomers, especially line by line reading for the late bloomers. तो अभी तक हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन का ये हमारा पहला वीडियो है, और इस वीडियो को देने से पहले मैं समझूंगी केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करना चाहता हूँ. तो हम आज पढ़ने वाले हैं इसेंशियल्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री टेबल. क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जब हम टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट्स जिसको कह सकते हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टमेटिक जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सबसे बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भी हम स्टैटिस्टिकल काम करते हैं, वर्क करते हैं, और उसके लिए टेबल बहुत ज़रूरी होता है. स्टैटिस्टिकल टेबल जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट है कॉलम्स और रोज के रूप में प्रेजेंट करने का, कॉलम और रोज के रूप में प्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, जिसको हम अगर स्टैटिस्टिकल टेबल कहते हैं तो इट इज़ जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज. और ये एक प्रोसेस है, और जिसमें स्टैटिस्टिकल टेबल उसका एक अहम हिस्सा है जिसको कहा सकता है. और अगर शॉर्टकट में कहें तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो डेटा के क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, उसको ऑर्डरली मैनर में उसको प्रेजेंट करने का काम करता है. और इस ऑर्डरली मैनर में प्रेजेंट करने के दौरान उससे बहुत सारे मतलब एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स डेवलप होते हैं जिसको हम कहते हैं चीफ करेक्टरिस्टिक्स. इसको अगर हम इंग्लिश भाषा में पढ़ने का प्रयास करें तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन स्टैटिस्टिकल वर्क, एंड इट इज़ डन थ्रू द यूज़ ऑफ टेबल्स. स्टैटिस्टिकल टेबल्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज. टेबुलेशन इज अ प्रोसेस द आउटकम ऑफ विच आर स्टैटिस्टिकल टेबल. इन ब्रीफ, टेबुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को कि टेबुलेशन क्या है. इज अ साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर सो एज टू ब्रिंग आउट देयर एसेंशियल फीचर्स एंड चीफ करेक्टरिस्टिक्स. तो इतना जब जानने के बाद हम एक इसको स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन को भी देख लेते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन. स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज्ड इन अ टेबुलेटेड फॉर्म have following important objectives. They simplify complex, that is, and the data presented are easily understood. They simplify complex data, that is, the data presented are easily understood. They facilitate comparison, facilitator का काम करता है, तो उसको comparison को आसान बनाता है, उसको करने में मददगार. facilitator का मतलब है मददगार. They facilitate comparison due to proper systematic arrangement of statistical data in different columns. They leave a lasting impression without any confusion. They facilitate computation of different statistical measures, namely average, dispersion, correlation, etc. ठीक है, तो ये सब चीज़ें करता है. कंप्यूटेशन क्या करता है, इन सब चीज़ों को कंप्यूटेशन में निकालने में, उसका हल करने में एवरेज, डिस्पर्सन और कोरिलेशन मददगार होता है. दे प्रेजेंट फैक्ट्स इन मिनिमम स्पेस एंड अननेसेसरी रिपीटेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर अवॉइडेड. वो बहुत ही कम स्पेस जगह लेते हैं टेबल. बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन को हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, और अननेसेसरी रिपीटेशन किसी बात की नहीं होगी, जो अनावश्यक बार बार एक ही चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड एक्सप्लेनेशंस आर अवॉइडेड. रिक्वायर्ड फिगर्स कैन बी लोकेटेड मोर क्विकली. और जो ज़रूरतें हैं, जो फिगर्स हैं, उसको आसानी से लोकेट किया सकता है. टेबुलेटेड डेटा मेक समेशन ऑफ वेरियस आइटम्स इजी. जो डेटा जो हम इसको टेबल में लिख देते हैं, उसका समेशन भी बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, फर्दर एरर्स एंड ओमिशंस कैन ऑल्सो बी इजली डिटेक्टेड. और अगर कोई गलती है तो उसको आसानी से ट्रेस आउट किया जा सकता है, चीज़ों को पकड़ा जा सकता है. टेबुलेटेड डेटा आर गुड फॉर रेफरेंस के लिए, दृष्टांत देने के लिए, किसी से कंपेयर करना हो, किसी चीज़ का किसी चीज़ से तुलना करना हो, तो उसका एक रेफरेंस
जैसे कि तो दो बच्चे हैं तो एक बच्चे के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो कहेंगे देखो तुम उसी तरह पढ़ा करो जैसे तुम्हारे भी मार्क्स अच्छे हैं। तो जो जिस बच्चे अच्छे बच्चे से जो तुलना की ना वही रेफरेंस है। सो टेबुलेशन टेबुलेशन डेटा आर गुड फॉर रेफरेंस एंड दे मेक इट ईजी टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर, एसेंशियल्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री टेबल। ये यही हमारा आज का टॉपिक था, इसी को पढ़ना मेरा उद्देश्य था। सो लेट अस स्टार्ट। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री टेबल। पहला बात, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, मैनेजेबल साइज होना चाहिए उसका, कंपेरेबल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिटी, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। दीज आर द मेजर एसेंशियल आइटम्स ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री टेबल। ये होना ही चाहिए। अब इसको हम देखते हैं एक एक करके। अट्रैक्टिव, अ टेबल शुड बी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स। जो रीडर पढ़ रहा है, जो पाठक पढ़ रहे हैं, उनको आसानी से वो चीज़ें उसको आकर्षित करें, उसको जिससे आप एग्जीबिशन लगाते हैं हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत में, या पहले सोशल साइंस एग्जीबिशन हुआ करता था। तो ये जब एग्जीबिशन लगाते हैं तो चीज़ों का प्रेजेंटेशन काफ़ी मायने रखता है। घर में खाना हम खाते हैं तो प्रेजेंटेशन काफ़ी मायने रखता है। उसी तरह टेबल जो है एक प्रकार प्रेजेंटेशन ही तो है। जब ये प्रेजेंटेशन है तो उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर उसकी तरफ आकर्षित हो। और बहुत सारी जानकारियाँ टेबल में कॉन्साइज रूप में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट की जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं। टू मेक इट सो केयर शुड बी टेकन इन डिटरमाइनिंग इट्स साइज, प्रोपोर्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, राइटिंग ऑफ फिगर्स एट्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है मैनेजेबल साइज। द साइज ऑफ द टेबल शुड बी नीदर टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट टू स्मॉल, न तो छोटा होना चाहिए। टू मच ऑफ डिटेल्स शुड नॉट बी गिवन इन अ टेबल, और अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इफ द टेबल इज टू लार्ज इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग टू द आईज एंड देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द लाइन्स एंड कॉलम्स एट अ ग्लांस। ठीक है, इफ द टेबल इज टू लार्ज, अगर टेबल बहुत बड़ा है, इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग टू द आईज, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है, हमको देखने में दिक्कत होती है और उसको चीज़ों को ट्रेस आउट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द लाइन्स एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसे बहुत सारी लाइन हो, 1, 2, 3, 4, 5, इससे अगर बहुत सारी लाइन हो, अगर हमारी 4 लाइन हो तो उसको आसानी से देखा सकता है, और नज़रें गड़ा कर लाइन बड़ी बड़ी होंगी, कॉलम बड़े बड़े होंगे तो उसको देखने में आसानी होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा जब होगा तो स्पेस ज़्यादा बड़ा स्पेस में होगा और उसको एक एक चीज़, ठीक है, जैसे अभी 4 लाइन को फोकस करना आसान है, न कि इतने लाइन को फोकस करना। ठीक है, उसी तरीके से अगर कम इन्फॉर्मेशन होगा तो कम छोटा टेबल होगा तो वो आसानी से ट्रेसेबल होगा, क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तमाम तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। जो टेबल इज टू लार्ज इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग टू द आईज एंड देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द लाइन्स एंड कॉलम्स एट अ ग्लांस। इफ मोर डिटेल्स आर टू बी गिवन देन अ नंबर ऑफ स्मॉल टेबल्स शुड बी प्रिफर्ड टू वन बिग टेबल कंपेरेबल। द फैक्ट शुड बी अरेंज्ड इन अ टेबल एज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम ईजी, एज कंपेरिजन इज वन ऑफ द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। ठीक है, तो फैक्ट ये क्या है कि अरेंज टेबल इज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम ईजी। अब ये टेबल में प्रेजेंट करने से जो है ना टेबल कंपेरिजन आसान हो जाता है। सॉरी, कंपेरिजन इज वन ऑफ द चीफ ऑब्जेक्टिव, और टेबुलेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कंपेरिजन करना। अगर असेसमेंट कंपेरिजन ही नहीं करेंगे तो उसका बेसिक खत्म हो जाएगा। वेन एवर नेसेसरी एवरेज परसेंटेज प्रोपोर्शन एट्सेट्रा शुड बी गिवन इन द टेबल टू फैसिलिटेट कंपेरिजन। और जब कभी आवश्यक जो है एवरेज परसेंटेज प्रोपोर्शन एट्सेट्रा इज टू बी गिवन शुड बी गिवन इन द टेबल ऑफ फैसिलिटेट, तो मतलब इन सब चीज़ों को देने से कंपेरिजन जो है और अच्छा बन जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ए टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जिस ऑब्जेक्टिव से आपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमको अलग अलग तरह का टेबल बनाना चाहिए जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल उसमें रिफ्लेक्ट हो जाए। क्लैरिटी, टेबल शुड बी सो प्लान्ड एज टू मेक इट ईजली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लाइन है। इट शुड बी कम्प्लीट विद इन इट्स सेल्फ and contain all the explanations necessary to make the meaning of items clear. Units of measurement must be clearly stated, such as price in rupees or weight in kilograms. Columns and rows should be numbered when it is desired to facilitate reference to specific parts of a table.
scientifically prepared. The table should be scientifically prepared. A table should have a suitable title, proper captions and stubs, source, footnotes, etc. Certain figures which are to be emphasized should be in distinctive type or in circle or box or between thick lines. A table should have miscellaneous columns for the data which cannot be grouped in the classification made. Large numbers are hard to read and difficult to compare. Therefore, they should be approximated, as for example, up to the nearest crores or lakhs, etc. अब ये कह रहा है कि इस बिल्कुल साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है. टेबल शुड बी साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण होगा. अ टेबल शुड हैव अ सुटेबल टाइटल, इसका टाइटल जो है होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टाइटल. प्रॉपर कैप्शन होना चाहिए जो उसको सूट करता हो. एंड स्टब्स जो रो है उसकी हेडिंग अलग होगी. सोर्स फुटनोट्स, फुटनोट्स का महत्व समझ चुके हैं, क्लास में चर्चा भी हुई थी कि फुटनोट्स, जैसे मान लो बहुत सारा टेबल अपने बनाया, उस टेबल में बहुत सारी बातें आप लिखना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन कुछ बातें इसेंशियल चीज़ हमारी छूट गई, उसको फुटनोट्स हम क्लियर कर देते हैं. तो सर्टेन फिगर्स विच आर, फुटनोट्स हमेशा टेबल के नीचे होता है. सर्टेन फिगर्स विच आर टू बी एम्फेसाइज शुड बी डिस्टिंक्टिव टाइप और इन सर्किल और बॉक्स बिटवीन थिक लाइन्स. टेबल शुड हैव मिसलेनियस कॉलम फॉर द डेटा विच कैनॉट बी ग्रुप्ड इन द क्लासिफिकेशन मोड. टेबल शुड हैव मिसलेनियस कॉलम्स, टेबल में बहुत सारे मिसलेनियस कॉलम भी होते ही हैं. फॉर द डेटा विच कैनॉट बी ग्रुप्ड इन द क्लासिफिकेशन मोड, जो क्लासिफिकेशन में इसको समाहित नहीं किया सकता है. लार्ज नंबर्स आर हार्ड टू रीड, और जो बड़े नंबर्स हैं उनको पढ़ पाना, उनको समझ पाना. लार्ज नंबर्स आर हार्ड टू रीड एंड डिफिकल्ट टू कंपेयर, और उसको कंपेयर करना है मुश्किल होगा. देयरफॉर दे शुड बी अप्रोक्सीमेटेड, और ऐसे नंबर्स को, मतलब करोड़ों में कोई नंबर है, अरब में नंबर है, पद्म है, नील है, ये सब सारे काउंटिंग नंबर जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वैदिक काउंटिंग नंबर्स, शंख, पद्म, नील, ये सब जो है ना, सब काउंटिंग नंबर्स है. सो लार्ज नंबर्स आर हार्ड टू रीड, तो बड़े बड़े जो नंबर होंगे उनको पढ़ना मुश्किल होगा. ओके, डिफिकल्ट एंड कंपेयर, difficult to compare, they should be approximated, as for example up to the nearest crores or lakhs, etc. तो उसको जो nearest crores हैं, lakhs हैं, उसमें उसको convert करना आसान होगा, ठीक होगा.